फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आपका दोस्त। आज एक नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, माँ गंगा स्वर्ग से चलकर धरती पर महाराजा भगीरथी के 60,000 पूर्वजों को आत्मा की शांति दिलाने के लिए धरती पर आई थी। फ्रेंड्स, गंगा नदी सिर्फ केवल नदी नहीं है, यह हमारी आस्था और सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा है और यह पौराणिक काल से रहा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक माँ गंगा जहाँ जहाँ से गुजरी है, वह जगह अपने आप में एक विकास का मॉडल बना है। और गंगा नदी के किनारे ही खेती से लेकर गांवों का विकास हुआ और शहरों का विकास होता चला गया। आज हम चाहें जितने भी विकास कर लें, आज हम चाहें कितने भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन हमें अपने सभ्यता और संस्कृति में जुड़ाव, लगाव और प्रेम हमेशा है और आगे भी बना रहेगा। शहरों का अंधाधुंध विकास के कारण आज हम अपने गंगा से दूर चले जा रहे हैं, गंगा किनारे से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। पर फ्रेंड्स, अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्कोव रियलिटी ने न्यू कोलकाता संगम बनाकर हम लोग जैसे जो गंगा नदी को माँ से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके किनारे उनके घाट पर रहना चाहते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक टाउनशिप गंगा किनारे बना रहे हैं। उस टाउनशिप का नाम न्यू कोलकाता रखा गया है। न्यू कोलकाता में दो फेज़ भी काम हो रहे हैं। पहला फेज़ का नाम प्रयाग है और दूसरा फेज़ का नाम संगम है। प्रयाग 2018 में लॉन्च हुआ था और संगम 2019 में लॉन्च हुआ है। प्रयाग और संगम में कितने टावर और फ्लोर हैं, ये सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। न्यू कोलकाता हाउसिंग सोसाइटी टोटल 29 एकड़ लैंड में बन रहा है। फ्रेंड्स, आज हम श्रीरामपुर में आए हुए हैं। श्रीरामपुर में एल्कोव रियलिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है, उसी प्रोजेक्ट साइट पर। ये प्रोजेक्ट साइट की खासियत ये है, इसका फ्रंट रिवर साइड है, गंगा रिवर साइड है। और यहाँ पर एल्कोव रियलिटी ने अपना प्राइवेट घाट बनाया है और यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। और पीछे में देखिए, टावर्स बन के रेडी हैं। और आगे डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे करके आगे मैं आपको देता रहूँगा। ये प्राइवेट घाट एल्कोव बना रहे हैं अपने रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ काम बहुत तेज गति से चल रहा है। एल्कोव अपने बहुत से टावर 2021 अक्टूबर नवंबर तक दे देगा, ऐसा एज पर हीरा है। न्यू कोलकाता श्रीरामपुर में होने के वजह से इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है कि श्रीरामपुर एक एडुकेशनल हब है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स, एल्कोव जो हाउसिंग सोसाइटी श्रीरामपुर में बना रहा है, उसका नाम आप ये देख लीजिए, न्यू कोलकाता रखा है। यहाँ पर आने पर जो मन की शांति मिल रही है, जो सुकून मिल रहा है, आप यकीन नहीं दिला सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बनारस में हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। न्यू कोलकाता में प्रयाग
जो फेज़ है उसमें 6 टावर बन रहे हैं, जिसमें से एक टावर G+18 के हैं, टावर नंबर 2, 3 एंड 4 G+26 है, और टावर नंबर 5 G+22 है, और टावर नंबर 6 G+25 यहाँ है। पर 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में हैं, आप अपने बजट के अनुसार से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप कंफर्म मांग के चलिए, बिना बुक किए आप जाएंगे नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप साइट विजिट करना चाहें, आप फ्लैट बुक करना चाहें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। ये मार्केटिंग ऑफिस है एलकॉप का। यहाँ का दृश्य कितना मनोरम है, इसका महसूस आप लोग भी कर पा रहे होंगे। अभी काम चल रहा है। यहाँ पर प्रयाग और संगम बोलकर दो फेज में काम हुआ है। न्यू कोलकाता में त्रिवेणी मॉल बन रहा है। यह मॉल हुगली का बिगेस्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। न्यू कोलकाता में फैसिलिटी और एमिनिटीज़ बोलकर इतना कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। मैं जितना तक बताना संभव होगा मैं उतना तक बता देता हूँ। बात बाकी के लिए मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप जब साइट विजिट करेंगे तो जो भी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और एमिनिटीज़ दी जा रही हैं, उन सब का डिटेल्स आप लोगों के सामने में रख दिया जाएगा। न्यू कोलकाता ईस्टर्न इंडिया का टॉलेस्ट एफोर्डेबल टाउनशिप बन रहा है। हुगली का लार्जेस्ट क्लब हाउस, साथ में स्विमिंग पूल बन रहा है। न्यू कोलकाता जीटी रोड के ऊपर में ही बन रहा है, और रिवर और मेट्रो लिंक इसका कनेक्टिविटी के मामले में अव्वल दर्जे पर है। दक्षिणेश्वर मेट्रो से इसका कनेक्टिविटी है। रेलवे लिंक यहाँ से 1.9 किलोमीटर इस्ट्रा स्टेशन और 2.6 किलोमीटर श्रीरामपुर स्टेशन है। फ्रेंड्स, न्यू कोलकाता में बैंक्वेट हॉल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, स्पा एंड सैलून, लॉन्ड्री फैसिलिटी, बैंक और ATM अवेलेबल रहेंगे। फ्रेंड्स, न्यू कोलकाता साइड से मैं बहुत ही भारी मन से वापस लौटा। इतना ही अच्छा लग रहा था कि आपको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अब तक न्यू कोलकाता श्रीरामपुर एलकॉप रियलिटी का पार्ट 1 देख रहे थे। मैं बहुत जल्दी ही पार्ट 2 लेकर भी आऊँगा। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।